सो गाइस स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो कल्पना कहाँ जाने वाले हैं अभी हम? अभी हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल जीन्स लेने। इसके जीन्स, इसको कोई जीन्स चाहिए तो वो जीन्स लेने जा रहे हैं। एंड 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 एक और चीज, हमने उठने का खाने का ज्यादा दिखाया नहीं क्योंकि बोर हो जाता है, रोज सेम ही चीज होती है। तो हमने सोचा कि अब सीधा ही स्टार्ट कर लिया जाए। नहा धो लिए हम, रेडी हो लिए हैं और अब निकलेंगे अपने सफर की तरफ, है ना यार। हम थोड़ा कंफ्यूज है, जाएं कहाँ पे, घूमने फिरने का भी कुछ प्लान कर रहे हैं। तेरे पेपर भी तो है, कब से है? पेपर में टाइम है, अभी चाहे तो हम घूम सकते हैं। घूम सकते हैं, एक दो तीन दिन के टूर पे जा सकते हैं। ओके, दो तीन दिन के टूर पे जा सकते हैं। वैसे आप सजेस्ट कर सकते हो कि इस टाइम हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, है ना। ओके चलते हैं। क्या हो बेटा, मुत्ते हो? क्यों मुत्ता था तूने बाहर? मुत्ता क्यों, क्यों करा था टॉयलेट? बेटा कोई ना, बेटा बेटा यहीं यहीं मत कर। हमें क्या पाओ? नहीं चप्पल पति का पाड़ देगा। पहले मैं गेट नहीं बंद कर दूंगा। बस बस गला खराब होगा। मैं बैठा हूँ, पानी पी ले पहले फिर करियो। बस तो गाइस बाइक पार्क कर दी है और हम फिलहाल मॉल पहुंच गए। कल मैं एक बात बता कि बाइक में सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है तेरे को, जो गाड़ी में नहीं होती? सबसे बड़ी बात बाल। इसको भाई हेयर स्टाइल अपना एक नंबर चाहिए। आपको नहीं अच्छा एक बात आपको नहीं चाहिए? हां मेरे को भी चाहिए, मतलब हां। बट पूरे गांव से ड्रायर मार के आता हूं बाइक पे, सारे बाल हेलमेट पहन के खराब फुर्र हो जाते फुर्र। चलो अब अंदर चलते हैं और कौन से मॉल आया वो दिखाऊं आपको। आओ दिखा दो। एक घंटा हो गया ले ले भाई, कितनी पैंट देख ली, कोई पसंद ही नहीं आई। एक पैंट लेने आई और हाँ देख रही हो कौन सा खा पीना है। सोच रहे फ्रूट शेक पियो या आइसक्रीम। पसंद कौन सा है? पता नहीं, पता ही नहीं है कौन सा पसंद है तुम्हें। मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना। ओके क्या क्या खरीदा है? मेरी पापा की बस, इसलिए मैं इतनी दूर खींच के लाई मेरे को। अच्छी मिलती है ना, शर्म नहीं आती? परेशान करते हो मेरे को। तो अच्छी मिलती है तो खुद आ जाती। अच्छा ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। गाड़ी लेके आएगी पर जाएगी, पर जाएगी किसमें? नहीं वो तो बचेगी नहीं फिर। जैसे बचेगी उसमें ले आऊंगी थोड़ी बहुत में। अच्छा मतलब इसके अंजर पंजर ढीले करके है। हाँ, अब 1000 रुपए में चेंज होनी है, कुछ भी करो। अच्छा इसका मतलब ये थोड़ी ठोकती रहेगी, नहीं हो जाएगी कुछ भी कर दो। हाँ चुप रहो। कितने घंटे लगते क्या आ गया पसंद? चलो बुक करो फिर। कैसी लगी, आई मीन कैसा लगा? अच्छा ठीक था, मुझे तो ज़्यादा खास नहीं लगा। तो आप पी भी का ना, मैं पी लूँगा। तो भाई मेरे को अपना वर्कआउट करना भी, ये पी लूँगा तो वर्कआउट करूँगा तो उल्टिया ही करूँगा वहाँ पे। मत पियो, कौन आपको फोर्स कर रहा है? ये लड़की, सिर्फ ये लड़की मुझे खिलाती है बाहर का खाना, बाहर का खाना, बाहर का खाना, और खुद तो खा खा के दादी का, अपने दादी का एक बार दिखा दो। अरे सब देखना चाहते हैं तुम्हारे सीधे सीधे दांत, एक बार ठीक है ना। ई मैं तो बोल रहा हूँ मत लगवा भाई, जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना वो अलग ही होती है। मजाक की बना रहा हूँ। तो मजाक बनने आने के लिए मेरे को कुछ कुछ तो चाहिए ना, तो ये सही कर बालेगी तो मजाक किसका बनाऊंगा फिर? नकली दांत करूंगा मैं। नकली दांत तो क्या 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 नकली दांत तो लगवाने की सोच रहा है। शट अप, निकलो यहाँ से अब। अबे मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पे अलाउ, खतरों खिलाड़ी बन रही है, ट्राई कर ले। गंदी वाली गिरेगी और पीछे से गार्ड आएगी बोलते बोलते। मना कर रहे ना, सुन लिया। चल अब अपना थैला उठा और चला जा, हमने फोटो भी खा ली बैल पे। बैल पे नहीं खींचने देंगे वो। मैंने इसको बोला था पीछे से गार्ड बोलेंगे, बट मैडम जी मानती नहीं है, बोलेंगी नहीं हम तो चढ़ के फोटो खिंचवाएंगे इस पर। मैं चल तू चढ़ फिर मैं खींच दूंगा, मैं तो मेरे को क्या, मेरे को तो खींच रहा है ना भाई। कैसा हुआ, कैसा लग रहा है आपको बेइज्जती, मतलब बेइज्जती करवा दे?
कैसा अच्छा लगा आपको? मैं फोटो खिंचवा रहा। अबे भाई साहब मेरे भगवान की कसम, मैं अगर 5 फोटो खिंचवाता हूँ ना, ये 1500 फोटो खिंचवाती है। अच्छा कह दो बच्चा को आ जाओ। कहाँ खींच रही? अभी यहाँ सामने कुछ है खींचने लायक। वाह वाह, ये पुरानी पुरानी स्कूटियों के पास खड़ी हुई खिंचवाएगी। चला खड़ी हो गई। अच्छा तो और देखो नाना कर रही थी और फिर से रख दे, फोटो के लिए रेडी हो गई है। खींचो वाली थी फोटो। क्या होता आपने एक जबरदस्ती की यूज़ देखा, अच्छी आ रही है। एक मैंने इसकी रैंडम फोटो खींची, उसको देख के बोली वाओ, खींचो खींचो खींचो, जाके खड़ी हो गई। खींचो 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 खींचो। और उसके बाद एक फोटो खींची नाना ना, एक और 10 फोटो खींचवाई, उसमें से एक फोटो चूज करेगी। 4 या 5 है। चलो अब घर चलते हैं। फिर यार मेरे को वर्कआउट करने भी जाना है, एनर्जी तो खत्म हो गई है। बट बिल्कुल एंड अभी फिलहाल हम घर पहुंचे हैं और अभी मैं जिम जाने वाला हूँ। और अभी हमारी एक चीज पे डिबेट हो रही थी, ठीक है? इधर आ बोल, खड़ी हो, अरे होता सही, होता सही। किस चीज पे डिबेट कर रही थी? अब बता, बताना तो पड़ेगा भाई, बताना तो पड़ेगा, जल्दी बता। नहीं तू बता, तू बता, बता बोलना पड़ेगा। अब बोल भाई, जो बड़े कॉम्पिटिशन में जब टैनिंग होती है ना, उसके ऊपर है ये बोल रही है मैं करके दिखाऊंगी। मैं चलो ठीक है भाई, तू करके दिखा लियो, कैसी करेगी है ना भाई। आने वाले मेरे ख्याल से 2-3 साल में मैं भी कम्पीट करने की सोच रहा हूँ। तो वैसे फिलहाल मैं तो रेडी हो गया हूँ। और भाई चलना नहीं चलना जिम? हाँ भाई चलो बिल्कुल। कब चलेगा? नितिन के साथ ही घुसा रहता है पूरे दिन, और नितिन ओस्कर के साथ ही पड़ा रहता है पूरे दिन इस बेड पे पबजी के साथ। हाँ ये मेरा बड़ा छोटा चला चलेगा। तो गाइस घर पहुंच गए हैं, अभी पहुंचे हैं। बट एक और चीज़ बता रहा हूँ यार, मैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मैं अपनी डाइट बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा। बाहर आज भी कल्पना ने जो शेक था वो पिया था, मैंने सब टेस्ट किया था। बाकी मैं अपनी जो डाइट है मेन, वो घर पे आके मैंने पूरी ले ली है। जितना भी मेरा प्रोटीन सोर्स है, कार्ब सोर्स है, मैं खा लेता हूँ। और मैं चीट थोड़ी इस तरीके से करता हूँ कि अगर कभी कुछ खाना भी हुआ तो मैं अपने डाइट में थोड़ा ऊपर नीचे करके कुछ चीज़ कट करके कुछ चीज़ ऐड कर देता हूँ, इस टाइप से रहता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इस व्लॉग को ही आज एंड करते हैं। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आए। बाय, मिलते हैं 8 बजे।